तो दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। और अभी हम बात करेंगे निफ्टी की एक्सपायरी जो कि नेक्स्ट वीक 25th ऑफ अक्टूबर को है। और 25th ऑफ अक्टूबर को जितने भी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सभी नल हो जाते हैं। और उसके बाद नई सीरीज़ यानी कि नवंबर सीरीज़ की शुरुआत हो जाएगी। तो कैसी रहेगा अक्टूबर सीरीज़ का एंड, निफ्टी में क्या और गिरावट आएगी या हमें सीरीज़ के अंत में कुछ तेज़ी दिखाई देगी, इस सभी को हम लोग टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझेंगे। बट ओवरऑल अगर हम बात करते हैं मार्केट की, तो देखिए अभी किसी भी तरह का कोई ओवर एक्सपेक्टेशन रखना ना तो बियर के साइड में ना ही बुलिश के साइड में, मैं समझता हूँ कि अभी हम लोग एक ऐसी स्थिति में खड़े हैं जहाँ से मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है। आइदर बुलिश भी हो सकता है, आइदर बियरिश भी हो सकता है। चांसेस यू नो नेगेटिव फैक्टर्स बहुत सारे हैं और इसीलिए ज़्यादातर ये माना जा रहा है कि मार्केट में नीचे की तरफ गिरावट रहेगी। बहुत सारे एक्सपर्ट हैं, मोस्ट ऑफ द एक्सपर्ट्स का मानना है कि निफ्टी नीचे गिरेगा, लेकिन देखिए हर एक्सपर्ट की अपनी एनालिसिस है। और मेरा मानना है जब तक निफ्टी 10,200 और 9,950 के सपोर्ट को होल्ड कर रहा है तब तक हम लोगों को किसी भी तरह से पैनिक सिचुएशन में नहीं जाना चाहिए। गिरेगा तो हमें पता चल जाएगा, क्योंकि जैसे 10,200 के नीचे की क्लोजिंग आएगी देन डेफिनेटली 9,950 के लेवल को ये टच करने के लिए जाएगा। और एक बार 9,950 का लेवल टूट गया और नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई तो फिर ये आपके लिए क्लियर इंडिकेशन है कि एक बड़ा बिग फॉल आपके लिए वेट कर रहा है। ठीक है, तो आपको लेवल्स मैंने बता दिए, ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी। दूसरी चीज़, अपसाइड में उम्मीद तेजी की है जरूर, लेकिन बुलिशनेस की नहीं, क्योंकि बुलिशनेस तो मार्केट में तभी आएगा जब निफ्टी 11,180 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देगा, लेकिन वो तो अभी बहुत दूर की जर्नी है। फिलहाल 10,800 और 10,950 का लेवल है जो बड़े मेजर रेजिस्टेंसेज है। छोटे छोटे तो रेजिस्टेंसेज बीच में है जैसे कि 10,500 का, फिर 650 के आसपास। तो चलिए चार्ट के द्वारा हम लोग एक बार बात कर लेते हैं। ये चार्ट है निफ्टी का जो कि लगभग 2.5 साल का चार्ट है, वीकली चार्ट है, लगभग 2.5 ईयर्स का चार्ट है ये। यहाँ से हम लोग अगर शुरुआत करके देखते हैं तो लगभग जनवरी 16 से लेके और अब जनवरी आने जा रही है 19, लगभग आप समझ लीजिए 2 ईयर्स 8 मंथ का लगभग चार्ट है ये। ठीक है, और 16 से 17 से 18 ऑलमोस्ट ख़त्म होने जा रही है। ठीक है, तो ये लगभग आप मान के चलिए लगभग 2.5 ईयर का चार्ट है। और ये इंडिकेशन जो दे रहा है ये एक ट्रेंड को बता रहा है, आपको ये बता रहा है एक ट्रेंड। और अब इस ट्रेंड में क्या होने वाला है ये समझने वाली बात है। देखिए यहाँ पर एक रेंज में ट्रेड कर रहा है, लेकिन एक हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो एंड हायर हाई। और यहाँ पर देखिए आप देखेंगे जो लोअर लो है वो बनेगा आपका 9,950 के नीचे, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया। अगर वीकली क्लोथिंग 9,950 नीचे आप मानी, क्योंकि यहाँ तो मैक्सिमम गया है, क्लोजिंग पे देखेंगे तो क्लोजिंग पे जो क्लोजिंग का लेवल है वो 9,950 का ही है। ठीक है, तो 9,950 के नीचे की अगर क्लोजिंग हो जाती है तो लोअर लो क्रिएट हो जाएगा। और एक बार लोअर लो बन गया देन डेफिनेटली ट्रेंड का रिवर्सल है और मार्केट में फिर हमें लगभग 500 से 800 पॉइंट यानी कि लगभग 9,200, 9,300 या इवन 9,000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। बट यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि पिछले 3 हफ्तों से लगातार 5th ऑफ अक्टूबर, 12th ऑफ अक्टूबर और 19th ऑफ अक्टूबर, मतलब अक्टूबर सीरीज में लगातार तीनों हफ्ते मार्केट ने 10,300 के लेवल को क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड किया है। मतलब तीनों ही वीक में 10,300 के नीचे मार्केट क्लोज नहीं हुआ है, हालांकि उसके नीचे गया है तीनों ही वीक में, लेकिन क्लोजिंग 10,308 के ऊपर ही दिए। लास्ट वीक है, लेट्स सी कि मार्केट क्या पिछले 3 हफ्तों के लेवल को सस्टेन करेगा और वहाँ से रिवर्सल देगा, क्योंकि इंडिकेशन ये दे रहा है कि जब भी टॉप पे टच करता है बॉटम आता है, देन बॉटम के बाद फिर से धीरे धीरे करके टॉप की तरफ टच करता है एंड स्लोली स्लोली फिर बॉटम की तरफ आता है, फिर टॉप टच करता है, फिर बॉटम आता है। तो अगर ये बॉटम ट्रेंड टूटा देन डेफिनेटली बहुत अच्छे लोअर लेवल्स मिलेंगे जहाँ पर आपको 8,900 से लेके 9,000 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं, एक शार्प फॉल में देखने को मिल सकता है। बट यहाँ से तेजी भी आ सकती है,
रिवर्सल भी एक्सपेक्टेड कर सकते हैं हम लोग आने वाले हफ्ते में, आने वाले दिनों में। और यहाँ से अगर रिवर्सल आता है देन डेफिनेटली एक अच्छी और बड़ी तेजी आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग 11,000 के लेवल तक। किसी भी तरह की कंडीशंस को आप रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि मार्केट बहुत छोटी सी न्यूज़ को कभी कभी बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली ले लेता है और कभी कभी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी न्यूज़ आ जाती हैं लेकिन मार्केट को रिएक्ट नहीं करता। तो ये मार्केट की चाल है, कोई नहीं समझ सकता, लेकिन फिलहाल हम लोग ट्रेंड को समझेंगे। ट्रेंड अभी कह रहा है कि बॉटम टच हो गया है, यहाँ से अपसाइड का रिवर्सल आता है तो हमें नेक्स्ट वीक ग्रीन ओपन होते हुए दिखाई देगा मंडे को मार्केट। और अगर मंडे को मार्केट में बड़ी गिरावट आ गई और नीचे की तरफ क्लोजिंग आ गई 10,200 के नीचे, देन 9,950 एंड देन उसके बाद फ्री फॉल 9,000 के लिए रहेगा।